गुड इवनिंग इंडिया। दोस्तों आज का दिन बेहद 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 खास है। गुड इवनिंग इंडिया में आज हम सबसे पहले बात करेंगे पेरेंटिंग की, गुड पेरेंटिंग फॉर गुड फ्यूचर की। फिर हम बात करेंगे क्रिया योग की और अंत में हम बात करेंगे ज़मीन के क्षय की, यानी कि डेजर्टिफिकेशन की, ड्रॉट की। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सचिन तेंदुलकर, जो न केवल क्रिकेट के महानायक हैं बल्कि एक पिता भी हैं। देखते हैं। Facts I wish every parent knows. Talking, singing, cuddling, playing with a young child is not just fun. It's important for their brain development. Babies grow and learn every moment. We shouldn't underestimate the power of nutritious food, playtime, and lots of love. Loving babies, cuddling them, makes them healthy, secure, and strong. More than 80% of the brain is formed by the time a child turns 2. That's when the brain grows really fast, faster than any other time in our life. पहले सेगमेंट में हम स्वागत करते हैं डॉक्टर यास्मीन अली हक। आप रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनिसेफ इंडिया की। बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू। और चूंकि किसी भी बात में हम केवल पॉलिसी मेकर की ही बात नहीं करते हैं, एंड यूज़र की भी बात करते हैं, तो एंड यूज़र के बतौर हमारे साथ एक पेरेंट हैं सुमन जी। आपकी एक छोटी सी बच्ची है और आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। टीचर कहते हैं देश को और समाज को दिशा देता है, और बिना टीचर के कोई भी बात अधूरी रहेगी। हमारे साथ में है प्रोफेसर विनीता कौल। आप प्रोफेसर एमेरिटस है, अंबेडकर यूनिवर्सिटी में है और चाइल्ड एजुकेशन एक्सपर्ट भी, एनसीईआरटी में भी आपने कुछ काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया है। बहुत बहुत स्वागत है। साथ में है एक पिता, एक प्रोफेसर, और जो इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं एज ए बेनिफिशरी, हम उनका स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रभात राय। आप भी अंबेडकर यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं, और आपकी भी एक छोटी सी बच्ची है। आपके अनुभवों के बारे में भी जानेंगे। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ये शुरुआती यात्रा जिसको हम कह रहे हैं अर्ली चाइल्डहुड, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? वो केयर, जो लव हम बात करते हैं, वो कितनी इम्पोर्टेंट है? जैसे सचिन तेंदुलकर ने अभी कहा वीडियो में कि पहले पाँच छः वर्ष जो होते हैं बच्चे के, और विशेषकर जो पहले 2 वर्ष होते हैं, वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, कि उस समय जो जिस गति से ब्रेन का डिवेलपमेंट हो रहा है वो बहुत तेज़ होता है। और बच्चे के जब डेवलपमेंट होता है ब्रेन का, तो ब्रेन का डेवलपमेंट केवल जो जीन्स से आता है वो ही नहीं है, बल्कि बच्चे का जो सराउंडिंग है, जो एनवायरनमेंट है, उससे बहुत कुछ ब्रेन का ग्रोथ होता है। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को सही एनवायरनमेंट मिले, सही तरह का सपोर्ट मिले इस उम्र में, जैसे कि उनको अच्छा न्यूट्रिशन मिले, अच्छी हेल्थ केयर मिले, लेकिन वही काफ़ी नहीं है। उनको अच्छा 6 महीने तक कम्प्लीटली, जैसे कहते हैं शुरू में ब्रेस्ट फीड होना चाहिए, वो सब भी है, लेकिन उसके साथ साथ उनके संग इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। और इंटरेक्शन थ्रू प्ले, थ्रू स्टोरी टेलिंग, थ्रू टच, ऑल दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जी, आपने महत्वपूर्ण बात कही कि न केवल न्यूट्रिशन इम्पोर्टेंट है बल्कि इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, जिसमें ह्यूमन टच है, फीलिंग्स का संप्रेषण है, वो सारी चीज़ें मिलकर के ही व्यक्तित्व का, खेल, बच्चे के संग खेल, क्योंकि बच्चे की जो ज़िंदगी है वो खेल से जुड़ी हुई है, और बच्चे को खेल बहुत ज़रूरी होता है, और खेल के द्वारा बच्चा सीखता है। कई बार हम लोग ये गलत समझते हैं कि उस खेल वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होता है, वो उसका मीडियम होता है सीखने का। जी, सीखने और विकास का एक माध्यम है, माध्यम हो जाता है। सुमन जी, आपसे जानना चाहेंगे आपकी यात्रा क्या है, आपकी कहानी क्या है? सर जी, हमारी क्या कहे तो बेटी हैं शिवांगी, मैं कर्च मोबाइल में डाल रखी हूँ, यहाँ जो है मैं सुबह डाल देती हूँ 9:30 बजे। कितने वर्ष की है आपकी बेटी? 3 साल की है। 3 साल की। और आप काम करते हैं? हाँ, मैं 3 घर काम भी करते हैं, उनको छोड़ के जाते हैं घर पे, 3 घर काम कर जाते हैं, फिर नहा धो के अपना। कितने साल पहले है आपने ये शुरुआत की, कब से बच्चे को आप? ये तो मेरे को हो गया जो है 14 साल हो गया मेरे जब से बच्चे आ रहे हैं। जी नहीं, आपकी जो अभी 3 साल की बच्ची है वो क्रैश में कब से जाना शुरू किया? वो 1 साल की थी तब का डाल दिया हूँ। जी जी। हाँ जी। तो आपको ऐसा मन में कुछ संदेह नहीं आया कि मैं इतनी छोटी बच्ची को क्रेश में डालूं ना डालूं? नहीं, एक विश्वास होता है
कि गाड़ी सारे जा रहे थे, आरी बगल के बच्चे जा रहे थे सामने का, तो वो बोले कि यहाँ पे डाल दो, तुम्हारी लड़की जो है थोड़ा बीमार चलती रहती है, बच्चे जाते हैं 9:30 बजे, डाल दो वहाँ पे और फिर आ जाएंगे 5 बजे तक, 4:30 बजे तक आ जाएंगे आप। और फिर वहाँ मैं जाती थी, एक हफ्ते में देखी जाती थी कि देखी मैम कैसे रखती हैं बच्चों के। फिर वहाँ जाती थी, देखती थी कि माँ खाने पीने के भी ध्यान दे रहे हैं, इनको जो है साफ़ सफाई भी ज़रूरी है। और हमारे बच्चे जैसे घर पे रहते तो वहाँ तो गंदगी में खेलते हैं, रोड पे इधर उधर, फिर उनको बीमार पड़ते, इसलिए मैं डाल दिया उसमें कि हमारे बच्चे कम से कम साफ सुफ वहाँ रहेंगे, खाने पीने का ध्यान है और इनका जो है खेल कूद वहाँ सही है। मैम हमसे ज़्यादा ध्यान करती हैं, तो मैम जब यहाँ से बच्चों को छोड़ देती थी घर पे, फिर उनके साथ मैं पूछती थी कि मैम आज तुम्हें क्या बताएं, तो बोलती थी कि मैम मुझे ये कहानी बताई, मैम मुझे ये कहानी बताई थी आज, तब सारे जैसे मुझसे बताते थे बच्चे, उनके साथ 1-1 घंटा तो वो जगह पूर्णतः सुरक्षित है। हाँ। और खाने पीने और हाइजीन का पूरा ध्यान हाँ रखा जाता है, और लर्निंग भी यानी कि सीखने का कार्यक्रम भी हाँ अच्छा चल रहा है, आपको उनके पूरा संतोष साथ है। खेल कूद भी सही है, जैसे 3 साल तक उनको जैसे कि 80% दिमाग होना चाहिए, उसके बाद 5 साल बाद 90% रहना चाहिए, उनके संग जब खेले कूदेंगे तभी तो दिमाग बढ़ेगा। तो ये बात आपको कैसे मालूम चले कि 80% और 90% होना चाहिए? नहीं, जैसे जब खेलेंगे तभी तो बच्चे के दिमाग होगा, जब आएंगे जाएंगे तभी तो, अब घर बैठे क्या जानेंगे, घर बैठे तो कुछ भी नहीं जान पाएंगे ना। जब आंगनबाड़ी में आएंगे, जब रहेंगे, यहाँ से जब पढ़ने लायक हो जाते हैं फिर स्कूल में नाम डाल देते हैं, फिर बच्चे हमारे डायरेक्ट स्कूल में जाते हैं, कभी छुट्टी नहीं करते हैं वो, तब स्कूल में रोज जाते हैं, कहेंगे हम स्कूल जाएंगे स्कूल जाएंगे, कभी कहेंगे रहने तो छुट्टी नहीं, मेरी मैम मारेगी, मैं जाऊंगी स्कूल। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी, आपने जिस भावना के साथ में अपनी बच्ची को भेजा सीखने का और उसका लाभ आपको मिल रहा है। डॉक्टर यास्मिन, आपसे हम यहाँ बातचीत करना चाहेंगे, हर माँ बाप के लिए संभव नहीं होता है कि पूरा पूरा समय बच्चों के साथ गुजारें, दोनों में से एक कोई भी ऑप्शन, ऐसे में क्रैश एक बेहतर विकल्प सामने आता है। हम जो इम्पोर्टेंस बात करते हैं टाइम और एनर्जी की, कि पेरेंटिंग में टाइम और एनर्जी है, पेरेंट ना दे रहे हैं तो वहाँ पीयर ग्रुप बच्चों का साथ मिल रहा है, दूसरे अभिभावक दूसरे गार्जियंस उनकी देखभाल कर रहे हैं, ये कितना इम्पोर्टेंट है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पेरेंटिंग वो चाहे माँ बाप करें या दादा दादी या नाना नानी या पड़ोसी या क्रैश के जो वर्कर हैं वो करें, द स्किल इज़ द सेम, बच्चों के बच्चों को खिलाना, बच्चों के साथ खेलना और बच्चों को प्यार करना, ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। और हम कैसे पेरेंटिंग स्किल जो माँ बाप को काम करना पड़ता है वो आंगनवाड़ी के ज़राए हम कर सकते हैं, गांव में आंगनवाड़ी होते हैं, वहाँ माँ या पिता ले जा सकते हैं अपने बच्चों को, आंगनवाड़ी ट्रेनिंग होता है, वो उनको सिखाना होता है कि कैसे बच्चे के साथ खेलेंगे, वहाँ मिड डे मील भी मिलता है बच्चों के लिए। और यहाँ सरकार और समाज का बहुत बड़ा रोल है, हम कैसे पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकते हैं, तो जहाँ पेरेंट अगर घर में हो फिर भी आशा वर्कर आंगनवाड़ी वर्कर जब घर जाते हैं उनको समझाते हैं कि बच्चों का डेवलपमेंटल माइलस्टोन कितनी इम्पॉर्टेंट है, कैसे उनके साथ खेलना, उनको गाना सुनाना, उनके साथ उनको स्टोरीज सुनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर माँ बाप नहीं हो, आंगनवाड़ी सेंटर है, इसमें मैटरनिटी और पेटर्निटी लीव की भी बात होती है, भारत सरकार में माँ के लिए 6 महीने का मैटरनिटी लीव है, ये 6 महीने बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके बाद भी अगर क्रैश ना हो या आंगनवाड़ी ना हो या घर में कोई ना हो ना तो हो। वो छूट जाएगा, लेकिन पिताओं का रोल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, द फादर्स रोल इन सपोर्टिंग द मदर इन देम प्लेइंग विद द चाइल्ड एंड टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट, एंड फॉर दैट सरकार के भी कुछ नियम कुछ कानून हैं, फैमिली में सबका एक रोल है और गांव में या समाज में सबका एक बहुत बड़ा रोल होता है। जी आपने अभी बात कही ईच प्ले एंड लव की, मॉडर्न पेरेंट्स ये समझते हैं कि हमने बस एक गैजेट खरीद के दे दिया, टेलीविज़न दे दिया, कंप्यूटर दे दिया, टैबलेट दे दिया या मोबाइल दे दिया या टॉयस की व्यवस्था उनके लिए कर दी,
एंड द जॉब इज़ ओवर. वो अपने खुद के कामों में सोशलाइजिंग में बिजी रहते हैं. ये टाइम और एनर्जी जो पेरेंट्स से हम एक्सपेक्ट करते हैं खास तौर से शुरुआती दिनों में, वो कितनी महत्वपूर्ण है? वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. द फिज़िकल इंटरेक्शन, हम सुमन जी के साथ जब बात कर रहे थे वो बोल रहे थे कैसे वो अब बच्चों के साथ खेलती है. उन्होंने भी सीखा है कि बच्चों के साथ खेलना कितना इम्पोर्टेंट है. दैट टचिंग, कडलिंग, सचिन जी के टोल्ड अस अबाउट दैट, दैट कडलिंग, दैट इंटरेक्शन. आप अपनी बात भी सोचिए, हमारे जब बच्चे छोटे थे जितने भी गैजेट आप उनको ना दे, आप अगर प्यार से उनके साथ बात करें, वो दे रोल मॉडल, यूर अ रोल मॉडल, पेरेंट्स आर रोल मॉडल्स. अगर पेरेंट गुस्से से बात करें या पेरेंट अटेंशन ना दे, वो वही सीख रहे हैं. सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट व्हेन वी गो बैक. हमारी अम्मी अगर घर नहीं होती जब हम स्कूल से वापस आते हैं तो मूड ही ख़राब हो जाता था, लेकिन हमारे जनरेशन में हम तो रहते ही नहीं घर में. दैट्स व्हाई व्हेन वी आर होम इट्स सो इम्पोर्टेंट दैट वी द चिल्ड्रन रियलाइज हाउ वैल्यूएबल आवर टाइम विद देम इज. दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट चिल्ड्रन दे डोंट लिसन, दे इमिटेट. एब्सोल्युटली. सो आप जैसा व्यवहार कर रहे हैं वो वैसा देख रहे हैं, वही स्वीकार कर रहे हैं, वही करेंगे. आप क्या कह रहे हैं, क्या प्रीचिंग कर रहे हैं, वो बात उनकी समझ में नहीं आएगी. सुमन जी, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं आपकी प्रेरणा, आपकी सक्सेस स्टोरी से दूसरे लोग प्रेरणा लेंगे और वो भी अपने बच्चों की देखभाल उसी तरह से करेंगे. बात को आगे बढ़ाते हैं. डॉक्टर प्रभात राय, आप जो विषय पढ़ाते हैं वो भी पेरेंटिंग से जुड़ा हुआ ही है और आप जो पिता भी हैं, आपके अनुभव के बारे में जानना चाहेंगे. मैं डॉक्टर यास्मीन की बात को ही आगे बढ़ाता हूँ कि बच्चों को जो पालन पोषण करना उनका है वो एक पूरे समाज की जिम्मेदारी है. मैं जो पढ़ाता हूँ अपने क्लासेस में वो भी जो शुरू के 6 महीने हैं उस समय फिज़िकल टच, वार्म्थ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर रहता है. और मैंने खुद भी अपने अनुभव में देखा है कि मेरी बेटी मेरे साथ चिपक के सोना चाहती है रोज, तो सैटरडे या संडे का दिन उसको सबसे बढ़िया नींद आती है क्योंकि वो मेरे साथ कडल करके अच्छे से आराम से सो सकती है. एज अ पेरेंट, एक लगातार जो दूसरी चीज़ है जो कि हम सुन रहे हैं कि 80% जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो हो रहा है फर्स्ट 5 शुरुआती दिनों में, पर वो केवल अपने आप नहीं होगा, उसके लिए एक जिम्मेदारी जो है वो हमारे ऊपर भी है. हमें भी किस तरह से एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करनी है, स्पेशली स्टोरी टेलिंग या प्ले, या फिर जो प्रोफेसर कौल अभी कह रही थी कि बच्चे जब प्ले सिचुएशन में होते हैं तो वो नई चीज़ें सीखते हैं, उनकी अपनी इमेजिनेशन जो है वो पेरेंट्स के सामने या समाज के सामने आ सकती है, तो वो संभावनाएं प्रेजेंट करना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है किसी भी पेरेंटिंग मॉडल में. जो है वो केवल और केवल और किस तरह से आप नई चीज़ें कर सकते हैं बच्चों के साथ और उनको संभावना देना, एक्सप्लोर करना उनकी थिंकिंग को, आई थिंक ये बेसिक प्रेमाइज जो है मानकर हमें चलना चाहिए जब हम उनके साथ इंगेज करते हैं. जी, और बहुत सारे दर्शकों के मन में अभी जिज्ञासाएं होंगी, हमारे एक्सपर्ट्स से वो फ़ोन करके अपनी बात रख सकते हैं. हमारा फ़ोन नंबर है दिल्ली का एसटीडी कोड 011 और फ़ोन नंबर है 2309-7524. आप जब भी फ़ोन करें अपने टेलीविज़न सेट का वॉल्यूम कम रखिएगा जिससे ऑडियो इंटरफेरेंस ना हो. और बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ हमारे पास एक और वीडियो है सचिन जी का, आइए देखते हैं. Being a father is the most special feeling in the world. I cherish every moment that I spend with my kids, playing with them, cuddling with them, talking to them. Research shows that the human brain develops the fastest in the first 1,000 days. Every little or big action during these early moments helps the brain development and shapes up the way our children will learn and grow. How do we ensure that our children get the best out of the life? Very simple. Eat, play, and love. Apart from the right nutrition, clean drinking water,
We need to play with them. Show them our love through hugging, cuddling, singing, baby talking to them. I'm supporting UNICEF to call on parents and caregivers to focus on eat, play, and laugh. Let's celebrate parents and let's make sure they get the support they need to raise happy and healthy children. Together, we can make the early moments matter for every child. एक और खास मेहमान हमारे साथ हैं, सकीना जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपकी कहानी के बारे में जानना चाहेंगे। मेरा नाम सकीना है। खेलो मत सीखो जबरदस्त कार्यक्रम से जुड़ी थी मैं। मेरी बेटी का नाम मैजे भी है, जो कि 4 साल की है। जी जी, बी कंफर्टेबल, आराम से बताएं। खेलो मत सीखो जबरदस्त कार्यक्रम में जब इस कार्यक्रम में चालू हुआ था तो हमारे उधर मतलब सर्वे करने के लिए आई थी रेशमा जी, जो उस एनजीओ में जुड़ी हुई थी। तो मैं समझी कोई नॉर्मली ऐसे ही होगा, खिलाते बच्चों को फिर घर भेज देंगे। पर वहाँ पे जाने के बाद वहाँ जाकर देखा माँ बाप दोनों बच्चों के साथ अपने खेल सकते हैं। घर के जैसे कुछ सामान है जिस सामान हमारे यूज़ में नहीं आते हैं उस सामान से भी हम घर में खेल सकते हैं। वहाँ खेलों में सीखो ज़बरदस्त कार्यक्रम में वहाँ पर हमें चिकनी मिट्टी मिलती थी, डिस्पोजल गिलास और प्लास्टिक के डिस्पोजर चम्मच इस और प्लेट मिलते, डिस्पोजर वाले वो मिलते थे। चिकनी मिट्टी से मेरी बेटी जो महज भी जिसकी वजह से मैं कार्यक्रम में जुड़ी थी चाउमीन बना लिया या केले बना लिए, सेब बना लिया, और वो डिस्पोजर गिलास से फ़ोन बना लिया, धागा उसमें से बांध के फ़ोन बना लिया, और चम्मच से मतलब मैं कॉइन मिलते थे गत्ते के हमें वहाँ पर, तो कॉइन मिलते थे मैं ख़रीदने के लिए, मेला लगाते थे वहाँ पर उस खेलो मसीखो दवा सेंटर में, तो मैं खरीदे वो दुकानदार बनती थी, मैं ख़रीदने के लिए जाती थी। कभी मैं दुकानदार बन गई तो मेरे पास ख़रीदने के लिए आती थी, तो मतलब मैं वो जैसे 10 के 5 के 2 के 1 के सिक्के होते थे, मैं अगर बोलती ये 5 का है तो उस मैं देखती थी वो बोल पाती है नहीं बोल पाती है, पर वो 5 का उन कॉइन में से वो 5 का निकाल के वो मुझे दे देती थी। इसमें से वो उसने गिनती भी सीखी है। अब जैसे स्कूल जाती थी मैं जब भी, तो स्कूल में कोई बात होती है तो मुझे आके पहले पहले बता देती, मैं उसे डांट देती थी नहीं वहाँ जाके बैठ जाओ, बार बार आके परेशान करती, वो डांट देती थी। पर अब इस कार्यक्रम में जुड़ने के बाद, खेलो मस्ती के ज़बरदस्त सेंटर में जुड़ने के बाद, उसकी बात को मैं आराम से सुनती हूँ, वो क्या बोलना चाहती है, कोई बात बोलती है तो हाँ मैं हाँ जवाब देती हूँ, वो थोड़ी और बोलती है, जब मैं हाँ बोलती तो वो कुछ और बोलती है, तो मतलब इससे मतलब उसकी पढ़ाई में और हमारे रिश्ते के अंदर भी बहुत बदलाव आए हैं। पहले मैं भी इतना नहीं सोचती, शादी हो गई बच्चे हो गए क्या करना है, पढ़ के या खेल के बेकार है टाइम वेस्ट करना, पर नहीं, खेल से दिमाग का विकास भी होता है और हमारा शरीर भी अच्छा होता है और बच्चे की पढ़ाई में भी इससे मदद होती है। तो आप ही बच्चों के साथ खेलती हैं या बच्चों के पिता भी खेलते हैं? नहीं, मैं भी खेलती हूँ। जैसे मैं कोई काम कर रही हूँ, जैसे टाइम नहीं मिला, वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ 1 घंटा ना हो पर आधा घंटा निकालूँ, और अगर मेरे पास टाइम नहीं होता तो उसके पापा ज़रूर खेलते, तीनों बच्चों के बैठ के खेलेंगे और साथ में ट्यूशन का काम भी उनका करवा देते हैं। जैसे खेल खेल में उसके पापा, पापा तुम टीचर बनो, मतलब तुम बच्चे बन जाओ, मैं टीचर बनूंगी, तो अब उसके पापा मजाक करेंगे, मुझे तो बेटा पढ़ना नहीं आता, ये काम करना कैसे, तो बता दी मतलब वो जैसे गिनती होती है 1 से लेकर 10 तक दिया था लिखने के लिए दीदी ने, तो उसे लिख के दिखा दे इसे ऐसे। हर बच्चे की ख्वाहिश ये होती है कि टीचर बने और टीचर की तरह से वो सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स पेरेंट्स को ही बनाता है। इंटरेस्टिंग है। और जो हम मैनेजमेंट में रोल प्लेइंग बच्चों को सिखाते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं बहुत एलिमेंट्री लेवल पर ही हो जाती है। प्रोफेसर विनीता, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो लर्निंग थ्रू फन का प्रोसेस है ये कितना इम्पॉर्टेंट है। अक्सर पेरेंट ये गलतियाँ कर जाते हैं कि वो बहुत जल्द ही फॉर्मल एजुकेशन में उनको इंट्रोड्यूस कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यही समझा जाता है कि सीखना माने पढ़ना, और अगर किसी बच्चे को किसी भी सेंटर में जा रहा है तो वहाँ पर पढ़ाई होगी, ये पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन रहती है, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि इससे उल्टा नुकसान होता है बच्चों का। जैसे अभी सकीना जी ने बताया, इतनी अच्छी एक्टिविटीज़ बताई जो कि वो बच्चे वहाँ पे करते हैं, उससे कितनी उनकी इमेजिनेशन बढ़ती है, वो खेल खेल में किस तरह से उनकी बातचीत, भाषा का विकास हुआ, गिनना सीखा उन्होंने, कॉन्फिडेंस आया उनमें, कितना उस सबका, ये सब खेल द्वारा हुआ। तो खेल द्वारा बच्चों का सीखना जो है वो बहुत आवश्यक है। उसका उल्टा असर होगा अगर उस वो जो समय जिसमें खेल बच्चे के लिए आवश्यक है उसमें अगर हम उनको पढ़ाना शुरू कर देंगे, तो बहुत आजकल जो एक फिक्र की बात है कि जो जितने ये प्री स्कूल्स हैं
या सेंटर्स हैं वो सब बच्चों को पढ़ाना लिखाने में शुरू करते हैं और कहते ये हैं कि अगर हम नहीं करेंगे तो पेरेंट्स बच्चों को भेजेंगे नहीं। तो कहीं पे ये पेरेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के सेंटर में नहीं जाना चाहिए, या कम से कम जहाँ भेजें बच्चों को तो वहाँ पे कहना चाहिए उनको कि हमें बच्चों को पढ़वाना नहीं है, उनको खेल कराकर सीखना है, जिससे सहजता आए। जिससे और जो जैसा इन्होंने खुद ने कहा कि वो जब वो सीख करके आती है और घर पर फिर वो जो रिलेशनशिप बिल्डिंग हो रही है जो सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि हम टीनेज में आने के बाद हम शिकायत करते हैं कि बच्चों का डेडलॉक है, पेरेंट्स के साथ में डायलॉग नहीं है। तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं जब वो कहना चाहता था तब हमने सुना नहीं, अब हम कहना चाहते हैं तो वो नहीं सुनता है। तो वो वहाँ जो आप कहेंगे और सुनेंगे कि बात स्थापित होगी तब वो बड़े होने पर भी वो रिलेशनशिप। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि हम बात करते हैं पेरेंट्स के वर्क कर रहे हैं, पेरेंट्स तो टाइम नहीं है, क्वांटिटी ऑफ टाइम उतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना क्वालिटी ऑफ टाइम इम्पोर्टेंट है, कि जिस जितना समय पेरेंट्स बच्चों के संग बिताएं वो उसमें वो बॉन्डिंग होनी बहुत ज़रूरी है। जी जी, हमारे एक दर्शक एक फोन के जरिए अपनी बात कहना चाहते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ नमस्कार, आपका गुड इवनिंग इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आपका शुभ नाम और प्रश्न? मेरा शुभ नाम ये सोनिया जी। नीरा जी, आपके टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम कीजिएगा प्लीज। अच्छा जी, एक मिनट। जी जी, हेलो, सवाल पूछें। नीरा जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आप मेरे टीवी बंद करके मैं आपकी बात सुन रही हूँ। जी जी, आपका सवाल पूछें। मेरा सवाल ये है कि मेरा बेटा इंटेलिजेंट होने के बाद भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी समझ है, मैच्योर समझ है मेरे बेटे में, 13 साल का है, बट उसके पापा को नहीं लगता इंटेलिजेंट है। पापा को नहीं लगता कि वो इंटेलिजेंट है, उसकी समझ से ये हर टीनेज में जो गैप है, एज का गैप है, मुझे लगता है आप इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे। नहीं, क्योंकि बच्चा जो है उसमें इंटेलिजेंट एक जो एक टर्म है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, रिलेटिव है, एक तो ये रिलेटिव है, बिल्कुल रिलेटिव है, क्योंकि कोई ऐसा एक चीज़ नहीं है कि ये इंटेलिजेंट है और ये नहीं है। हर बच्चे में कुछ न कुछ हुनर होता है, कुछ न कुछ उसमें उसकी अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं, कुछ अपनी खूबियाँ होती हैं, और हर बच्चा दूसरों की तरह दूसरे बच्चे की तरह नहीं होता है। तो अगर हम किसी और से कंपेयर करके कहें कि ये इंटेलिजेंट है और ये नहीं है तो वो गलत होगा, क्योंकि उसकी अपनी अपनी उसकी क्षमताएं हैं, अपना उसका पोटेंशियल है, उसको इनकरेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उससे कहेंगे कि तुम इंटेलिजेंट नहीं हो तो जो पोटेंशियल है वो भी नहीं, वो भी दब जाएगा, उसमें हीनता की भावना आ जाएगी। और ख़ासतौर पर मुझे लगता है कि लड़के जो हैं वो फादर से बहुत आइडेंटिफाई करते हैं, तो फादर को ये कहना कि इंटेलिजेंट नहीं है बहुत बच्चे के लिए फादर हो सकता है कि अपनी उम्र की आईक्यू और इंटेलिजेंट और एक्सपीरियंस को उम्मीद कर रहे होंगे कि उस छोटे। कई बार हम दूसरे बच्चों से भी कंपेयर कर लेते हैं, और हम हर पेरेंट का अपना एक प्रायोरिटी एरिया होता है। तो मान लीजिए अगर बच्चा मान लो म्यूजिक में अच्छा है, लेकिन हम उसको महत्व नहीं देते, हम कहते हैं कि उसको तो मार्क्स लाने ज़रूरी हैं क्लास के अंदर, 13 साल का है तो वो स्कूल में जो मार्क्स ला रहा है उसके ऊपर सारा उसका जजमेंट निर्भर हो जाता है, जबकि वो क्राइटेरिया होता ही नहीं है, जबकि वो क्राइटेरिया दक्षता और क्षमता का। हाँ, बिल्कुल जी, वो आपकी सिर्फ मेमोरी का परिचय है कि आपने कितना अच्छे से लर्न किया और मार्क्स कितने आए। जी डॉक्टर यास्मीन, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह के प्रोग्राम्स ICDS के जरिए आप भारतवर्ष में संचालित कर रहे हैं? भारतवर्ष में वी हैव द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम थ्रू आंगनवाड़ी सेंटर स्पेशली, जहाँ बच्चों को 3 साल से 6 साल तक बच्चे जा सकते हैं, वहाँ वो खेलना सीखते हैं, वो उनको खिलाना होता है, और आंगनवाड़ी वर्कर बहुत प्यार करती हैं बच्चों से। मोबाइल क्रैश में भी एक ही चीज़ है। प्लस हेल्थ सेक्टर में जो होम विजिट होते हैं आशा वर्कर के माध्यम से, वहाँ आशा वर्कर के नई ट्रेनिंग में उनको सिखाना होता है बच्चों का डेवलपमेंटल माइलस्टोन कौन सी है, पेरेंटिंग टिप्स क्या है,
वो जब जाते हैं घर में, नवजात के घर में माँ बाप से मिलते हैं, दादा दादी से मिलते हैं, वहाँ वो समझा सकते हैं। तो हेल्थ, न्यूबॉर्न केयर, होम विजिट के माध्यम से और आंगनवाड़ी के माध्यम से हम, लेकिन बहुत 0 to 6 ईयर्स तक हम पहुँच सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी प्रोग्राम है जो विश्व में बहुत सारे देश में नहीं है। सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस टू इन्वेस्ट इन दीज प्रोग्राम्स, टू इन्वेस्ट इन इन द वर्कर्स एंड इन्वेस्ट इन देयर डेवलपमेंट। और हमने दोनों बहनों से सुना उनके लिए कितनी ज़रूरी थी ये इंटरेक्शन, क्योंकि हम वी गेट लॉस्ट इन आर डेली वर्क। हाउ वी कैन सिट बैक एंड रिफ्लेक्ट एंड स्पेंड मोर टाइम और मोर क्वालिटी टाइम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इफ अ गवर्नमेंट प्रोग्राम कैन हेल्प अस डू दैट, That is really excellent. छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान, उसमें भी विशेष प्रोग्राम सभी आपके द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। हाँ, बहुत सारे स्टेट में, इन तीन स्टेट में स्पेशली आंगनवाड़ी वर्कर का जो ट्रेनिंग हो रहा है, उनके सुपरवाइजर का जो ट्रेनिंग है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द कम्युनिटी डिवेलपमेंट ऑफिसर प्लेज अ बिग रोल इन सपोर्टिंग देम। फिर आशा वर्कर के जो सुपरवाइज़र हैं, आशा साथी जो हैं, उनके इंटरेक्शन से भी बहुत कुछ हो रहा है। प्लस मेला भी होते हैं फॉर द पेरेंट्स, पालक मेला। सिर्फ पेरेंट्स नहीं, नानी दादी भी आते हैं। और इट्स लाइक लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, घर में क्या कैसे खिलौना बना सकते हैं, जो चीज़ें पड़े हुए हैं यूज़ नहीं हो रहे हैं उनसे खिलौना बनाना, कैसे स्टोरी टेलिंग का आर्ट, ये भी बहुत आर्ट ही है ना, हम ऑल ऑफ अस हैव हर्ड इट इन आवर चाइल्डहुड, लेकिन इसका चर्चा ज़रूर होता है करना चाहिए। स्टोरी टेलिंग पर हम एक बात जारी रखेंगे, फिलहाल एक दर्शक फ़ोन के ज़रिए हमारे से बात करना चाहते हैं। हेलो, फोन शायद कट गया है। स्टोरी टेलिंग पर हम बात जारी रखते हैं अपनी। मुझे लगता है ये बात आप बेहतर तरीके से बताएंगे एज ए टीचर। स्टोरी टेलिंग एक ब्रेन के विकास में, मस्तिष्क के विकास में और व्यक्तित्व के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? स्टोरी टेलिंग बहुत महत्वपूर्ण है। असल में मेरे ख्याल में हर बच्चे को हर रोज़ कम से कम थोड़ा टाइम समय मिलना चाहिए स्टोरी टेलिंग का, क्योंकि स्टोरी टेलिंग से बच्चों को बहुत तरह से फ़ायदा होता है उनके विकास में। एक तो सबसे पहले उनका भाषा का ही जो एक्सपोजर होता है उनको, जो अपनी फीलिंग्स और इमोशंस और थॉट्स को शब्दों के जरिए बताना पर इवन जो एक्सपोज जो हम कहानी सुनाते हैं तो उसमें जो भाषा होती है उससे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। शेर कैसे बोला, चूहे ने कैसे किया, तो जानवरों के बारे में जानकारी होती है। एनिमल स्टोरीज में बच्चों को, छोटे बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है, तो उससे वो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंशिएशन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज, उसका भी बुद्ध को जानकारी होती है। पर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि एक बॉन्डिंग होती है जो कहानी सुनाता है उससे और जो सुन रहा है उससे, तो आपस में जो वो एक इमोशनल बॉन्डिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। समय की हमारे पास कमी है, हम 30 सेकंड में सबसे महत्वपूर्ण बात, एज ए फादर आप क्या कहना चाहेंगे, पेरेंटिंग में पिता का रोल कितना है 30 सेकंड में? एक तो मैं स्टोरी टेलिंग वाली बात को ही आगे बढ़ाता हूँ कि भाषा जो है वो तो बच्चा सीखता ही है, साथ ही साथ एक दूसरी संभावना भी है। पिता खाली वो नहीं है जो बता रहा है कुछ, वो सुन रहा है बच्चे को। और मैं हर बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि सुनना बच्चे को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा भी कहानी सुनाता है। खाली आप बच्चों को कहानी नहीं सुनाते हैं, बच्चे भी आकर रोज आपको कहानी सुनाते हैं। एक पिता होने के नाते आपके पास वो समय होना चाहिए कि आप अपने बच्चे को हर रोज सुन सकें। जी, अगर आप वो समय निकाल सके तो थैंक यू। प्रभा जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। प्रोफेसर विनीता, 30 सेकंड में एक महत्वपूर्ण बात पेरेंट्स के लिए, बच्चों को समय दे। सबसे मुझे लगता है कम शब्दों में सबसे गहरी बात और बड़ी बात आपने कही, अपने बच्चों को समय दें। डॉक्टर यास्मीन, बाय एंड लार्ज सोसाइटी के लिए आप क्या संदेश देंगे, किस तरह से इस बड़े मिशन में एक व्यक्ति को व्यक्तित्व बनाने में, जो कि पूरी सोसाइटी के लिए राष्ट्र निर्माण में योगदान देगा, किस तरह से सोसाइटी अपने आप को उस दिशा में इन्वॉल्व करे? हम बच्चों के अर्ली ईयर्स में जब इन्वेस्ट करेंगे, इट विल द रिटर्न्स फॉर द नेशन विल बी देयर, देयर ओन पर्सनल लर्निंग एंड अर्निंग्स विल इंक्रीज, बट द नेशंस कैपिटल विल इंक्रीज।
और इट गोज बैक टू द सेम थिंग, ईट प्ले लव। जी, आज की चर्चा बेहद रोचक और एनलाइटनिंग है। एक्सपीरियंस शेयरिंग भी की हमने, पॉलिसीज़ की भी बात की, टीचर्स की भी बात की, और एज ए फादर भी आपने बहुत मज़ेदार बातें अपनी बताई। आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आज की चर्चा से जो भी बातें हमारे मन में घर की होंगी वो अपने जीवन में भी लाएंगे और दूसरों को भी शेयर करेंगे, जिससे वो भी सीखकर बात आगे बढ़ा सकें।